वेलकम स्टूडेंट्स टू योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास। उस दिन हमने क्या पढ़ा था? हमने लेसन नंबर 4 पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन, जिसका हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, यानि दो डिजिट नंबर्स का सब्ट्रैक्शन यानि माइनस करना, जिसे हम हिंदी में घटाना भी बोलते हैं। और किस प्रकार से किया था? विथआउट बोरोइंग, यानि बिना कैरी लिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, यानि 2 डिजिट नंबर्स का ही सब्ट्रैक्शन करना है, यानि माइनस करना है, लेकिन विथ बोरोइंग, यानि कैरी लेकर हमको करना है। ठीक है, चलिए हम ये एग्जांपल आपको एक दिया हुआ है, उसे हम आप उसे समझते हैं। सब्ट्रैक्ट 36 फ्रॉम 74, हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 74 से 36 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? सब्ट्रैक्ट वंस, यानि इस तरफ के डिजिट को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, यानि माइनस करना है, घटाना है। फर्स्ट अप लाइन में क्या दिया हुआ? 4 माइनस 6, बट 6 इज़ ग्रेटर देन 4। तो क्या दिया यहाँ पे? 4 से हमको 6 माइनस करना है, ये दिया हुआ आपको। 4 में से 6 को माइनस करना है, लेकिन क्या है, ऊपर की जो डिजिट है हमारी वो छोटी है और नीचे वाली बड़ी है। सो हम क्या करेंगे? बोरो 110 फ्रॉम टेंस कॉलम। तो क्या करेंगे यहाँ से? हम टेंस कॉलम से, ये हमारा वंस का वैल्यू है, ये हमारी टेंस की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे? टेंस में से हम एक यहाँ से हम बोरो कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 110 प्लस 4 वंस, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 10 वंस प्लस 4 वंस बराबर 14 वंस। यानि यहाँ से हमने 7 से यहाँ पे कैरी लिया 1, यहाँ हमारा बचता है 6, और यहाँ हमारा हो जाता है 14। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 14 में से 6 को हम माइनस करेंगे, तो हम 14 को 6 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा? 8। देन उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, यानि सब्ट्रैक्ट टेंस, यानि टेंस वाली वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने कैरी ले लिया था, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा? 6। तो अब हमको 6 में से 3 माइनस करना है, तो हमने 6 में से 3 माइनस किया, तो हमारे पास कितना आया? 3 बचा। यहाँ 3 में 6 में से 3 माइनस, यहाँ पे 3। अब इसलिए 74 माइनस 36, तो हमारे पास कितना बचा? 38। जब हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इनको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो हमारे पास कितनी डिजिट बची? 38। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से करना है। एक मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, लेकिन आपका 5 यहाँ पे डिजिट ये छोटा है और नीचे वाला आपका बड़ा डिजिट है, तो हम क्या करेंगे? 1 से हम यहाँ पे कैरी लेंगे, तो हमारे पास यहाँ कितना हो गया? यहाँ हमने 1 ले लिया कैरी, तो यहाँ हमारे पास कितना हो गया? 15। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे है 9, तो हमने 15 में से 9 माइनस किया, तो हमारा कितना आया? 6। देन यहाँ पे कितना था? 1। तो अब यहाँ पे हमने जब यहाँ से ले लिया कैरी, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? 0। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे, तो हमारा कितना बचेगा? हमारे पास 0। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 0 बचेगा, तो हमारे पास कितना आ गया? 15 माइनस 9 इक्वल्स टू 6। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आपको बाकी भी ये करना है पूरा। ठीक है, थैंक यू।